डियर स्टूडेंट आरसी एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सेकंड के अंदर जो टॉपिक चल रहा था, आपने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क, दूध के भौतिक गुण, उसमें बात कर ली थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दूध के वैधानिक मानक। दूध के जो वैधानिक मानक है उसके बारे में क्या बताया कि जो दूध के जो वैधानिक मानक है वो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। क्यों निर्धारित किए गए हैं? ताकि दूध के अंदर जो होने वाली जो मिलावट है उसको रोका जा सके, दूध की जो क्वालिटी या गुणवत्ता है वो बने रहे। इसके लिए अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग वैधानिक मानक डिसाइड किए गए, और दूध के वैधानिक मानकों के अनुसार जो दूध है उसमें वसा युक्त ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए, वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए वो डिसाइड की गई है। जो गाय का दूध है उसमें वसा की जो मात्रा है वो 3.5% और वसा रहित जो ठोस पदार्थ है उनकी मात्रा 8.5% होनी चाहिए। जबकि जो भैंस का जो दूध होता है उसमें वसा युक्त जो पदार्थ है उनकी मात्रा 6.07 होनी चाहिए, जबकि वसा रहित जो ठोस पदार्थ है उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए 9.0% होनी चाहिए। ये डिसाइड किया गया है वैधानिक मानकों के अनुसार। क्यों डिसाइड किया गया है? ताकि दूध के अंदर होने वाली जो मिलावट है वो उसको रोका जा सके और दूध की जो क्वालिटी गुणवत्ता है वो वैसी की वैसी बने रहे। तो यहां से क्या बताया इस पॉइंट में, दूध के वैधानिक मानक मानक अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। वैधानिक मानक अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित किए गए हैं ताकि दूध के अंदर होने वाली मिलावट को रोका जा सके, दूध में होने वाली मिलावट को रोका जा सके। यानी दूध के वैधानिक मानक अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित की गई। क्यों निर्धारित की गई? ताकि दूध में होने वाली मिलावट को रोका जा सके एवं दूध की गुणवत्ता बनी रहे। दूध के वैधानिक मानक अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित किए गए। क्यों निर्धारित किए गए? दूध के अंदर मिलावट जो हो रही है उसको रोका जा सके, जिससे दूध की जो क्वालिटी वो बनी रहे। अब दूध के वैधानिक मानकों के अनुसार दूध के वैधानिक मानकों के अनुसार गाय के दूध में वसा 3.5% एवं वसा रहित ठोस पदार्थ 8.5% होने चाहिए। आठ पॉइंट पांच परसेंट होने चाहिए
जबकि भैंस के दूध में 6.07% एवं वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा 9.0% होनी चाहिए। ये हैं दूध के वैधानिक मानक, यानी कि दूध के वैधानिक मानक अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित किए गए। क्यों निर्धारित किए गए? ताकि दूध के अंदर होने वाली जो मिलावट है उसको रोका जा सके एवं दूध की जो गुणवत्ता है वो बने रहे। दूध के वैधानिक मानकों के अनुसार गाय का जो दूध है उसमें वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 3.5%। वसा रहित ठोस पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 8.5% होनी चाहिए। जबकि भैंस के दूध में वसा 6.07% एवं वसा रहित ठोस पदार्थों की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? 9.0% होनी चाहिए। ये है दूध के वैधानिक मानक। वैधानिक मानक के अनुसार ये पता लगाया जाता है कि दूध के अंदर मिलावट है या नहीं। इस मिलावट को रोकने के लिए और दूध की जो क्वालिटी है उसको बनाए रखने के लिए वैधानिक दूध के जो वैधानिक मानक उनको काम में लिया जाता है और अलग अलग राज्यों के अंदर वो अलग अलग डिसाइड होते हैं। उन वैधानिक मानकों के अनुसार वसा और वसायुक्त ठोस पदार्थों की जो मात्रा वो डिसाइड कर दी जाती है। यदि इतने परसेंट है वो दूध प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं की गई, तो ये है दूध के वैधानिक मानक। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी।